हेलो एवरीवन, आज सबका स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट हमें। तो आज के 10 यूजफुल जीके क्वेश्चन। तो आज का हमारा है पहला क्वेश्चन, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1980 में, या ऑप्शन डी 1955 में। तो आपके पास 5 सेकंड का समय कर देने के लिए, अगर आपका इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1957 में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1998 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1970 ईस्वी में। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 1972 में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी विलियम, ऑप्शन सी एवेंजर हार्वर्ड, ऑप्शन डी हासमान। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एवेंजर हार्वर्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विश्व विदेशी भाषा संस्था कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर, या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन है हैदराबाद। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी चेन्नई, या ऑप्शन डी बस्तर। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन है भोपाल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व में लिंगनाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी जर्मनी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम है? ऑप्शन ए आर वेंकटम, ऑप्शन बी सीताकांत महापात, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गी कुरियन, हाँ तो ऑप्शन डी जयंत नार्लिकर। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब हमारा 8वां क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ हुआ वर्ष? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1965, या ऑप्शन डी 1952। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1952। आज का हमारा है 9वां क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सिख धर्म। तो आज का हमारा है लास्ट क्वेश्चन, हरियाणवी किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन डी बकरी। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गाय। ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। आई होप कि आपने अपने आप का रैंक किया होगा।
कमेंट में बताया होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।